आज 17 नवंबर 2022 है और आपको दिखाते हैं अभी मेरे जो गार्डन है छत पर उसका क्या हालचाल है। ये देखिए पुणे वैरायटी का गुड़हल है, काफ़ी इस पर कलियाँ आ रही हैं, फूल भी बन रहे हैं। इधर आप ये देखिए मेरा क्रिसेंथमम गुलदाउदी, कितनी सारी कलियाँ हैं इसके ऊपर 500 से 700 कलियाँ हैं कम से कम। इस समय शुरुआत इधर से करते हैं। आज ये मैंने कुछ कोलियस और गुलदाउदी मिक्स करके लगाए हुए हैं। बोगनविलिया बहुत अच्छी फ्लावरिंग पे आ गया दोबारा से। सदाबहार विंका, इनकी फ्लावरिंग अब ख़त्म होती जा रही है धीमे धीमे, सर्दियों में ये डोरमेंसी में चले जाएंगे अपने आप ही। लेंटाना कैमरा डार्क रेड कलर, ये देखिए मैंने कुछ पीछे जो है सरसों, पालक, मेथी और हरा धनिया भी लगाया हुआ है, वो आपको पीछे पेटियों में दिख रहा होगा। मेरे छोटे छोटे गमले में जो हैं बर्ड्स आ चुके हैं क्रिसेंथेमम के ऊपर, ये देखिए अब सभी बर्ड्स पे आ चुके हैं। देखिए 10 से 12 दिन के अंदर इनके अंदर फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। ये मेरे कलांचू के पौधे हैं, कलंकोई, नीचे कुछ कटिंग्स चल रही हैं मेरी सदाबहार की जो रेडी हैं लगाने के लिए, लेकिन इनको मैं फरवरी एंड में लगाऊंगा, अब ये यहीं रेस्ट करेंगे जब तक। ये कुछ कलांचू के मैंने पीछे जो हैं लीव से लगाने की कोशिश की है इस बार पहली बार। ये मेरी तुलसा देखिए आप कितनी प्यारी है इस समय, मैं इसको रोज़ जो है ग्रीन नेट से ढक देता हूँ रात के समय। ये देखिए और मेरे सभी पे बडिंग आ चुकी है, सभी बर्ड्स बहुत बहुत सारी बर्ड्स हैं सबके ऊपर। ये देखिए पास से अब आपको ऊपर का हिस्सा दिखाते हैं। अभी सुबह के 8 बजे हैं, धूप निकल चुकी है। ये कुछ मेरी कटिंग्स चल रही हैं कोलियस की, आइए आपको टॉप का हिस्सा दिखाते हैं। इधर से मेरा गार्डन देखने में कुछ ऐसा लगता है, और आपको सेकंड साइड लेके चलते हैं। इधर मैंने कुछ कोलियस लगाए हुए हैं जिनको मैं पिंचिंग करके बुशी बनाता रहता हूँ। ये देखिए आप कितना बुशी प्लांट है मेरा, ये देखिए आप। ये रंगून क्रीपर, ड्वार्फ वैरायटी है ये, इसको मैं कोलकाता से लाया था।
इधर ये 6 डहलिया के प्लांट हैं जो सभी अलग अलग कलर्स के हैं। ये देखिए, और मेरे पास विंका की और भी कटिंग्स हैं इसके अंदर नीचे, जो मैं फरवरी एंड में लगाऊंगा। ये देखिए पूरा कटिंग से भरा हुआ है। इसके अलावा ये मेरे और रेडी प्लांट हैं विंका के, मेरे पास 140 प्लांट विंका के हैं अलग अलग कलर्स में। अब आपको ये दिखाते हैं, ये मैंने हरा धनिया बोया हुआ है, ये देसी सदाबहार वाइट वाला, ये भी बहुत प्यारा लगता है देखने में। अब चलते हैं सेकंड सेक्शन की तरफ, ये मेरा वेजिटेबल सेक्शन है। ये कुछ कटिंग्स कोलियस की, ये डेजी की सीडलिंग्स है, सरसों, मेथी, हरा धनिया, पालक, फिर सरसों, फिर मेथी, फिर सरसों और फिर पालक। ये देखिए, ये पीछे बंद गोभी है, ये है फूल गोभी, और ये कुछ प्लांट मेरे ब्रोकली के हैं। इधर से आप देखेंगे तो मेरा गार्डन ऐसा दिखता है यहाँ से। देखिए मेरी गली में क्या है, कुत्ते बहुत हैं जो सारे दिन भौंकते रहते हैं। इधर से मेरा गार्डन कुछ ऐसा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको मेरा मिड नवंबर का एक गार्डन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही सुंदर सुंदर मेरे गार्डन की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो। पौधे जो हैं हमें बहुत खुशी देते हैं, इनको देख के अच्छा लगता है, ये हमारे एनवायरनमेंट को भी अच्छा रखते हैं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।